दुश्मन के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई तो फिर इसके लिए क्यों? हमारी और उनकी सोच में उतना ही फर्क है जितना हमारे और उनके रहन सहन है। हमारी कौम की ओर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं शेरा, उन्हें पूरा करो। मुझे सब पता है। क्या हुआ था? जय मामा और अग्नि ने रचा था सब सब बाहर नगर के सिंहासन के लिए। मैं तो यकीन ही नहीं हूँ कि जय चाचा ने हमें फांसी पर चढ़ाना चाहा। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। शायद तुमने संदेश सही से पढ़ा नहीं। जय चाचा आर्य नगर के कारागार से भी भाग चुके हैं और पिताजी ने अग्नि को महल वापस बुलाया है क्योंकि वो जानते हैं कि जय चाचा अग्नि से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। जो अपराध करता है वो तो बड़ी बड़ी आसानी से निकल जाता है और जो बेगुनाह होता है उसे तो फांसी पे चढ़ाने की बहुत जल्दी होती है। बहुत ही अच्छा सुल बनाए हैं आर्य नगर के महाराज ने। बहुत ही अच्छा सुल बनाए हैं आर्य नगर के महाराज ने। अब अगर ये लोग अग्नि को लेकर महल पहुंच गए तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे उससे पहले अग्नि को इनसे छुड़ाना होगा, पर कैसे? वीर बस हो गया। तुम बार बार हमारे पिताजी पर उंगली क्यों उठाते रहते? इस सवाल का जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो धर्म, तो फिर क्यों मुझसे बार बार पूछते रहते हो? चलो आज इस बात का फैसला हम दोनों एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अगर हम जीते तो तुम ये किस्सा यही के यही हमेशा के लिए खत्म कर दोगे और अगर तुम जीते तो तुम जो चाहो हम वो करेंगे। सोच लो, मैं कुछ भी मांग सकता हूं। हमने कहा ना अगर तुम जीते तो तुम जो चाहो हम वो करेंगे।
वीरू,